तो देखो बाबू आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे में आपको 10 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपका आया हुआ है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले देखते हैं क्या आपका कॉन्सेप्ट। आपका MDH मसाले का नाम आपने जरूर कभी ना कभी बचपन में या आपने अभी के डेट में आपने सुन रखा होगा, ठीक है, बचपन में पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देखो MDH डिवाइड बाई W, पहला स्टेटमेंट का पहला इक्वेशन ऐसे बनाएंगे इज इक्वल टू, फिर MDH अपॉन W दूसरा वाला, ठीक है। पहला इक्वेशन का पहला स्टेटमेंट बनाएंगे ऐसे और दूसरा इक्वेशन का दूसरा स्टेटमेंट बनाकर इसको बराबर कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दिया होगा, कैसे लगाएंगे ये सवाल पढ़कर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका मतलब सबसे पहले बता देता हूँ, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है आपका, डब्ल्यू का मतलब होता है कोई काम, काम कुछ भी हो सकता है, पेन बनाया जा सकता है, ठीक है, ये मोबाइल बनाया जा सकता है, ये टी शर्ट वगैरह बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जो काम होगा आपका, ठीक है, जाहिर सी बात है ये कितने आदमी मिलकर करेंगे, एम का मतलब हो गया आदमी यानी कि मैन हो गया, और डी का मतलब होगा डे, ठीक है, कितने दिन करेंगे, एच का मतलब होगा आवर घंटा, यानी कि जो काम है आपका ये डब्ल्यू जो काम है आपका कितने आदमी कितने दिन और कितने घंटे में कर रहे हैं, पहला स्टेटमेंट वही आपका दूसरा स्टेटमेंट हम इसको लिख के बराबर कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहला सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपका, 5 आदमी 6 दिन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौना बनाता है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना, हमको 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौना बनाया जा सकता है, ठीक है, यानी हमें दिनों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो देखो आपको करना आपको कुछ नहीं, पहला स्टेटमेंट आपका क्या कर रहा है आपका, देखो जो आपका काम आपका क्या आपका ये वर्क आपका क्या आपका काम आपका क्या आपका खिलौना बना रहा है आपका, ये खिलौना बना रहा है, ठीक है, खिलौना, ठीक है, खिलौना बना रहा है ये, ठीक है, 10 खिलौना बना रहा है, कितने आदमी मिलकर, 5 आदमी मिलकर, ये आपका 5 आदमी मिलकर, और कितने दिन में बना रहा है, 6 दिन में बना रहा है, और कितना घंटा बना रहा है, 6 घंटा बना रहा है। अब सवाल आपका ये पूछा आपका, ठीक है, अगर जो खिलौना आपका 16 खिलौना बनाया जाए, ठीक है, स्टेटमेंट आपका टू कर रहा है आपका, अगर जो 10 के स्थान पर 16 खिलौना बनाया जाए, ठीक है, और आदमी जब 5 लग रहा था तो आपका आदमी कितना लग रहा है, 12 लग रहा है, 5 के स्थान पर क्या लग रहा है आपका, 12 लग रहा है आपका, ठीक है। और कितने दिन लग रहा है वो नहीं पूछो, और कितना दिन लग रहा है वो नहीं दिया, वही आपको निकालना है। पहले आपका 6 रखा था, दूसरे में आपका ये दिन निकालना है आपका, पहले 6 घंटा दे रखा था आपका, ठीक है, 10 खिलौना बनाने के लिए, अब 16 खिलौना बनाने के लिए कितना घंटा दे रखा है आपका, 8 घंटा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर आपको, ठीक है। सारा वैल्यू पुट कर देंगे, कोई एक आपको निकालना होगा आपका, हर क्वेश्चन में आपका यही पूछा जाएगा, आपका सब दिया होगा, कोई एक आपको फाइंड आउट आपको करना होगा, यही जो आपका D2 आपका जो सेकंड वाले इक्वेशन का आपका यही निकालना है, आपके दिनों की संख्या आपको निकालना है आपका, ठीक है, ओके। तो आपका इसको सॉल्व करोगे आपका क्या हो जाएगा, देखो इसको काटोगे पीटोगे आपका क्या हो जाएगा, आप देखो यहां से इसको 8 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा आपका ये, ठीक है। अब काटो इसको, ठीक है, अब इसको 2 से काटो आप, ठीक है, 12 6 बार में जाएगा, अब बस आपको काटने आना चाहिए आपको, फिर ये 6 से आपका ये पूरा का पूरा कट जाएगा आपका, ओके। अब क्या कट जाएगा आपका, ये 5 से आपका 10 कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा आपका, 2 बार में जाएगा आपका ये, अब फिर उसके बाद 2 से आपका ये 6 कटेगा, कितनी बार में बाबू जाएगा आपका, 3 बार में जाएगा आपका। तो ये जो आपका D2 आपका और कुछ नहीं कटेगा आपका, ये आपका 3 बज के आ गया आपका, ठीक है, D2 आपका कितना हो गया, 3। तो 3 दिन लगा आपका, ठीक है, 3 दिन आपको लगा 16 खिलौना बनाने के लिए, आपको 12 आदमी लग रहे थे और कितना दिन लग रहा था आपका, 3 दिन लग रहा था, और कितना घंटा काम कर रहा था, 8 घंटा आपका काम कर रहा था, ठीक है। ऐसे सवाल को हम डायरेक्ट ऐसे ही हम बनाकर सारा वैल्यू पुट करके कोई एक हम निकाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है बाबू, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे सवाल आपको बनाना सीख रहे होंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ठीक है। तो वर्क आपका क्या था, आपका खिलौना आपका बना रहा था, कोई भी आपका खिलौना बना रहा था, ठीक है, 5 आदमी थे 10 खिलौना बना रहे थे, और कितने दिन काम कर रहे थे, 5 आदमी 6 दिन काम कर रहे थे, और कितना घंटा काम कर रहे थे, 6 घंटा काम कर रहे थे। अब 10 के स्थान पे 16 खिलौना बनाया जा रहा, तो आदमी की संख्या कितना आपका, 12 है आपका, और कितने दिन लग रहा था वही आपका पूछ रखा था, ठीक है, सेकंड वाला पूछा था, सेकंड वाला हमने कर लिया, ठीक है, कितना घंटा लग रहा था आपका, 8 घंटा लग रहा था, बस इसी को बराबर कर दे, कोई एक आपको निकालना था, काट पीट के हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अब देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन आपका क्या कर, आपका 12 आपका क्या कारपेंटर यानी कि बढ़ई आपका 6 घंटा रोज काम कर रहा है यानी प्रतिदिन काम कर रहा है, 480 कुर्सियां बना रहा है 240 दिनों में बना रहा है आपका, ये पहला स्टेटमेंट हो गया आपका। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट क्या आप कह रहा है, तो 18 बढ़ई यानी कि 18 जो कारपेंटर आपका 8 घंटा काम करके प्रतिदिन यानी कि रोज काम करता है आपका 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएगा, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन समझ आएगा तो दूसरा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर जो आपका काम आपका क्या आपका काम आपका कुर्सी बन रहा है आपका, ये काम आपका क्या आपका कुर्सियां बना रहा है आपका, ठीक है, कुर्सी बन रहा है आपका, और ये 460 जो कुर्सियां आपका
कितने आदमी मिलकर बनाना है, 12 आदमी, कितने दिन में बनाना है आपका, 240 दिन में बनाना है, कितने घंटे में बनाना है, 6 घंटे में बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, आपका सेकंड आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर आपको कुर्सी 460 दे रखा था, तो इसमें आपको कुर्सियों की संख्या बताना आपका, कितना कुर्सी आपका होगा आपका, अगर जो आदमी आपका 12 ना होकर आपका सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है 18 आदमी काम कर रहे हैं, कितने दिन आपका काम कर रहे हैं 360 दिन काम कर रहे हैं, कितना घंटा काम कर रहे हैं 8 घंटा काम कर रहे हैं, तब कितनी कुर्सियां बनाएगा, ये सवाल आपका, ठीक है। सब कुछ दिया आपका, एक आपको निकालना, आपको आराम से निकालता है, तो काटो पीटो मैंने आपको बताया काटो गए, ठीक है, काटने आपको आना चाहिए, ठीक है, 1-0 से 1-0 आपका कट गया आपका, ठीक है, और आपका क्या कटेगा आपको देखो, और आपका ये आपका कट जाएगा 12 से आपका 12 36, ठीक है, 30 बार में जाएगा आपका ये, ओके, और आपका क्या कटेगा 8 3 24, 8 से आपका ये 24 कटेगा, 8 3 24 कितनी बार में जाएगा आपका ये 3 बार में जाएगा, काटने पीटने आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 6 3 18 हो गया आपका, 6 3 18, 18 से 18 भी आपका कट जाएगा आपका, ठीक है, और क्या कटेगा आपका, और आपका कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पर आपका सब कुछ कट गया, तो 1 आएगा आपका, सब कुछ कट के आपका 1 आएगा आपका, 46 यहाँ पर आपका बच रहा था आपका, फिर इक्वल टू यहाँ पर आपका सब कुछ कट के आपका 30 आपका बच रहा है, तो 30 लिख देंगे और डिवाइड बाय W2, यही आपको बताना है कुर्सियों की संख्या आपका W2 आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आपका W2 ही आएगा आपका, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू यहाँ पर लगा दो 40, तो 30 और 46 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका, 30 और 46 का मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 1380, ठीक है। तो W2 क्या आपका कुर्सी बन रहा है आपका, ठीक है, तो 1380 कुर्सियां बनाया जा सकता है, ठीक है, 1380 कुर्सियां, ठीक है, इतनी कुर्सियां और बनाया जा सकता है जब 18 आदमी काम करेंगे, और कितने दिन काम करेंगे 360 दिन काम करेंगे, और 8 घंटा जब काम करेंगे तो 1380 कुर्सियां बनाया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, ये भी यार बी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कह रहा है आपका, एक काम यानी कि कोई सा काम कह रहा है आपका, ठीक है, 28 आदमी 7/8 काम पूरा करते हैं, कोई एक काम है आपका, ठीक है, कोई सा भी काम है आपका, ठीक है, कोई काम आपका डिफाइन नहीं कौन सा काम है आपका, ठीक है, 7/8 काम कर रहा है आपका, कितने आदमी मिलकर आपका 28 आदमी मिलकर काम कर रहा है आपका, कितने दिन ले रहा है आपका एक सप्ताह, एक सप्ताह में कितना दिन होता है आपका 7 दिन होता है, तो 7 दिन हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और कितना घंटा नहीं दे रखा आपका, जब घंटा नहीं दे रहा या तो छोड़ दो या तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे आपका उतना ही आएगा, ठीक है, जो चीज़ नहीं दिया होगा उसको छोड़ दो या तो 1 के में मल्टीप्लाई करोगे आपका उतना ही आएगा आपका, ठीक है, ओके। अब सवाल आपका ये पूछ रहा आपका, ये काम बस इतना हुआ आपका, पूरा काम अभी नहीं हुआ आपका, ये काम बस इतना पार्ट आपका होगा आपका 7/8, ठीक है, ओके। अब जो बचा हुआ जो काम होगा, ये बचा हुआ काम यहाँ पर आपका आएगा, वो करेगा आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट में आपका करेगा, ये आपका बचा हुआ काम होता है आपका बचा काम, तो बचा काम कैसे निकालेंगे हम, 1 में से माइनस करेंगे जो आपका काम दिया होगा 7/8, तो आपका बचा काम निकल जाएगा आपका, ठीक है, ये बचा हुआ काम आपका कितने आदमी मिलकर करेंगे, वो हमने पहले 28 आदमी मिलकर काम रहा था, अब उसको हम मान लिया एक्स, यही आपको निकालना है, जो बचा हुआ काम आपका एक्स आदमी मिलकर काम करेंगे वही आपको निकालना है, और कितने दिन में आपका काम कर रहा है आपका एक हफ्ता में यानी कि 7 दिन में काम कर रहा है, कितने घंटा में नहीं दे रखा है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो या तो छोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा, पर सवाल समझ गया ना आपका सवाल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 में से माइनस 7/8 इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा आपका इक्वल टू कितना आएगा आपका, ये यहाँ पर आपका आएगा 1/8 आएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचा हुआ काम आपका कितना आ गया आपका 1/8 आ गया आपका, तो ऐसे लिखो 1/8। एक तरीका ये था आपका 1 में से माइनस करके निकालेंगे, एक तरीका और आपका, ठीक है, एक तरीका आपका और आपका बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे, एक तरीका आपका और है, ओके, तो बचा हुआ काम कितना हो गया आपका 1/8 हो गया आपका, ठीक है, एक तरीका ये था निकालने का, एक तरीका और आपका, देखो दो तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये आपका 7/8 था ना आपका, तो इसको बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे, बचा हुआ काम ये आपका बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 7/8, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा आपका ये 1/8 आपका आ जाएगा आपका, ठीक है, एक तरीका इसको माइनस करने आना चाहिए आपको, एक तरीका और आपका, ठीक है, इसको 8/8 कर लो, पूरा एक काम कर दो, पूरा हम एक काम हमेशा आपको करना है, एक काम करना है आपको 8/8 कर दो, तो 8/8 कब होगा आपका, नीचे तो आपका 8 है ही आपका, ठीक है, नीचे तो आपका सेम रखना है आपको, ठीक है, ऊपर ही आपको छेड़ना आपको, तो 7 के बाद 1 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा आपका 8 आएगा, तो 7 के बाद 1 जोड़ोगे आपका कितना आएगा आपका 8 आएगा, तो 1 हम जोड़े तो 1/8 आपका काम होगा, आपका बचा हुआ काम, ये आपका बचा हुआ काम 1/8 होगा, ठीक है ना, ओके। अब मान लो यहाँ पर ऐसे होता 2/5 होता, ठीक है, तो हमारा ये काम इतना है आपका, अब बचा हुआ काम आपको निकालना है, तो 5 तो नीचे ही होगा आपका, 5 से 5 आपको काटना हो, इसको काटोगे तभी तो एक आएगा, अब 5 से 5 इसको काटना होगा, 5 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा 3/5, ये बचा हुआ काम हो गया आपका,
ठीक है ओके। तो जोड़ने पर आपका क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, ठीक है। इसको जोड़ोगे देख नहीं आ जाएगा, इसको इसको जोड़ोगे एलसीएम सेम आपका, तो 5 डिवाइड बाई 5 ठीक है, कट के आपका कितना आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा आपका, ऐसे निकालेंगे ठीक है। एक और समझाता हूँ मैं आपको, जैसे कि आपका ये आपका 7 डिवाइड बाई कितना आपका, 7 डिवाइड बाई 9 आपका ठीक है। ये आपका इतना काम है आपका, बचा हुआ काम आपको निकालना है, बचा हुआ काम आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे आपको, 9 तो आपका नीचे होगा, होगा कितना जोड़ोगे आपका 9 हो जाएगा आपका, 2 जोड़ोगे तो आपका 9 हो जाएगा, 2 बाई 9 आपका ये बचा हुआ काम हो गया आपका ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे हम, ध्यान रखना आपको ठीक है। तो यहाँ पर आपका 7 बाई 8 काम था आपका ठीक है, कितना जोड़ेंगे आपका 8 बन जाएगा आपका, 1 जोड़ोगे तो आपका 8 बन जाएगा, 1 बाई 8 आपका काम बचा हुआ काम होगा ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे, डायरेक्ट अप्रोच करेंगे हम ठीक है। एक में से माइनस भी करके निकाल सकते हो ठीक है, मैंने बता दिया दोनों तरीके, जोन सा मेथड आपको लगाना हो। अब इसको काटोगे पीटोगे आपका आंसर मिल जाएगा, देखो काटोगे पीटोगे 8 से 8 हमेशा कट जाएगा, यहाँ पर नीचे नीचे आपका सेम आपका कट जाएगा आपका। अब देखो क्या कट जाएगा आपका, 7 से ये आपका 7 कट जाएगा आपका ये। अब क्या कटेगा आपका, 7 से आपका ये कितना, 7 चौक 28 चार बार में जाएगा आपका ये। और कुछ कटेगा क्या, और कुछ नहीं कटेगा। तो यही आपका x यहाँ पर आपका आ गया, x की वैल्यू आपका कितना आ गया आपका यहाँ पर आपका 4। तो कितने आदमी लगेंगे आपका, 4 आदमी और लगेंगे जो आपका बचा हुआ काम 1/8 भाग वो कर सकेगा आपका ठीक है ना। ओके कौन सा ऑप्शन है जल्दी से बताओ तो, देखो यार कौन सा ऑप्शन है, तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ध्यान से देखना आपको ठीक है ना। अगला सवाल इसी पे करते हैं। अब देखो अगला जो सवाल आपका वो आपका क्या कर, आपका 15 आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करके एक काम को पूरा करने में 20 दिन लेते हैं। तो 20 आदमी एक दिन में कितने घंटा काम करेंगे, 12 दिन पूरा करने में लगेंगे ठीक है ना। ओके तो सवाल आपका क्या आपका, देखो समझाता हूँ मैं आपको। देखो कोई काम है आपका, तो काम कितना दिया नहीं है आपका, जब नहीं दिया होगा तो आपको एक ले लेना आपको, या तो छोड़ देना आपको, जो नहीं दिया होगा उसको एक लेके चलेंगे ठीक है। तो ये भी आपको नहीं दिया, तो ये भी आपको नहीं दिया आपका, तो दोनों को हम इसको एक एक ले लेंगे, या तो छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा आपका ठीक है। ओके दोनों का काम नहीं दे रखा, तो इसको एक एक हमने ले लिया। अब जो आपका काम है, जो आपका ये जो आपका काम है आपका ठीक है, एक काम है ना आपका, ये जो आपका काम है आपका 15 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, और कितने दिन में 20 दिन में कर रहे हैं, और कितना घंटा ले रहे हैं आपका, 8 घंटा ले रहे हैं। और अगला जो स्टेटमेंट है वो आपका कह रहा है, जो आपका काम है आपका, जो एक आपका जो काम है वो आपका क्या कह रहा है आपका, 20 आदमी मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में आपका, 12 दिन में, कितना घंटा कर रहे हैं वो नहीं दिया है, वही आपको निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हो आपको काट पीट कर ठीक है, 20 से 20 आपका कट जाएगा आपका, ये भी सवाल आपका पूछा हुआ आपका ठीक है। और आपका क्या कट जाएगा आपका, जो भी आपका कटा काट दो आपको, देखो 4 से आपका 4 दुनिया 8, 4 3 12 3 बार में, और 3 से आपका 15 कटेगा आपका, 5 बार में कटेगा। तो यहां से आपको ये आपका H2 निकालना है आपको, H2 आपका H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ठीक है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई यहां पर बचा रहा है ना आपका, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 10 ठीक है। तो 10 घंटा आपको लगेगा आपको ठीक है। ओके तो 10 घंटा कौन सा ऑप्शन आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। बस आपको यही फार्मूला आपको लगाना है, जो जो दिया होगा उसमें पुट कर देना, जो कहेगा आपका वो निकाल लेंगे, और अगर जो इसमें कुछ दिया नहीं होगा उसको हम एक के बराबर ले लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो सवाल आपका ये क्या कह रहा आपका, कुछ आदमी आपका एक काम को 55 दिनों में ख़त्म करते हैं ठीक है, कितने आदमी है ये नहीं आपका दिया है ठीक है। तो ओके इसके बाद आपका क्या कह रहा आपका, यदि 6 व्यक्ति यानी कि 6 आदमी और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले समाप्त हो जाता है, पहले ख़त्म हो जाता है ठीक है। तो हमारा क्या कह रहा आपका ठीक है, तो हमारा शुरुआत में यानी कि आरंभ में कितने आदमी थे, कितने व्यक्ति थे, ये सवाल है आपका ठीक है। तो देखो आपको बनाना आपको कैसे, आपका काम तो आपका दिया नहीं कितना है आपका, तो एक हमने मान लिया इसका भी और इसका हमने मान लिया ठीक है। कोई काम जो आपका वो एक्स आदमी मिलकर काम कर रहा है ठीक है, आदमी नहीं दे रखा है, यही आरंभ में आपका जो आपका ना, यही आपको प्रेजेंट में आपको निकालना है ठीक है। कितने आदमी ये नहीं दे रखा, तो हमने एक्स मान लिया, तो यही आपको निकालना है। कितने दिन में करना है, 55 दिन में करना है, कितने घंटे में करना है, घंटा नहीं दे रखा, इसको छोड़ दो या एक लिख दो आपका, वो नहीं आएगा आपका ठीक है। अब क्या कह रहा है आपका, जो आपका जो काम है आपका ठीक है, जो आपका ये काम है आपका ठीक है, एक्स ना मिलकर, एक्स आदमी ना होकर आपका कितने आदमी आपका 6 आदमी बढ़ रहे हैं। तो पहले आपका कितना था, एक्स था, तो अब जब बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, अब 6, अगर जो घटता तो माइनस हो जाता ठीक है, बढ़ेगा तो प्लस होगा और घटेगा तो माइनस होगा, ये आपको ध्यान रखना। पहले एक्स था, 55 दिन काम कर रहा था आपका, अब हमारा क्या है, एक्स ना होकर एक्स प्लस 6 है आपका, तब 11 दिन आपका क्या है आपका, 11 दिन पहले काम समाप्त हो जाता है, 11 दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। तो पहले 55 था, तो 11 दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो 11 इसको माइनस कर देंगे, 55 में से 11 माइनस करना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चे सिर्फ 11 लिख देंगे, गलत हो जाएगा आपका ठीक है, ये सवाल आपको समझना है। तो 55 में से 11 को माइनस कर देंगे तब आंसर आएगा आपका, सवाल आपने समझ लेना। तो कोई आपका एक काम था आपका, एक्स आदमी मिलकर काम कर रहे थे, यही आपको निकालना है, कितने दिन काम कर रहे थे, 55 दिन काम कर रहे थे ठीक है एक्स आदमी। अब हमारे जो सवाल आपका, एक्स ना होकर 6 आदमी और आ जा रहा है आपका ठीक है, तो काम 11 दिन पहले समाप्त हो जा रहा है, पहले 55 दिन था, तो 11 दिन पहले समाप्त हो जा रहा है ठीक है। तो 55 में से 11 को माइनस कर देंगे, तब हमारा
टोटल दिन कितना आ जाएगा आपका 44 दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके ओके, अब इसको काटोगे 11 से काटो, 11 को 44 चार बार में, 11 पच्चे 55 पांच बार में आपका जाएगा, तो यहां से आपका 5x हो जाएगा, आपको 5x हो जाएगा इजिकल टू, यहां से आपका इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे 4x 6 चौक 24, ठीक है। अब इसको इधर लागू होते कितना माइनस हो जाएगा, 5x माइनस 4x इजिकल टू 24, 5x में से 4x घटाओगे तो x आपका बचेगा इजिकल टू 24, तो 24 आदमी, तो कौन सा ऑप्शन है बाबू, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो हमारा जो शुरुआत में जो आदमी थे वो कितने थे, आपका x था तो x 24 आ गया, ठीक है। तो 24 आदमी मिलकर 55 दिन काम कर रहा है एक काम करने के लिए। अगर जो यहाँ पर आपका पूछता, ठीक है, यहाँ पर कितने आदमी हैं, तो x प्लस 6 आदमी था आपका, ठीक है, तो x आपका 24 आ गया, 24 में 6 जोड़ोगे आपका 30, तो 30 आदमी मिलकर 44 दिन में एक काम को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आरंभ में पूछा था, पहले पूछा था x कितने हैं, तो ये वाला आपका आंसर हो गया, तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है आपका, कुछ मजदूर हैं आपका, ठीक है, कुछ वर्कर आपका किसी काम को 100 दिन में ख़त्म करते हैं, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति यानी कि अब्सेंट होने के कारण 110 दिनों में ख़त्म हुआ, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सवाल मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। काम क्या है आपका, कुछ है नहीं आपका, काम आपको कुछ दे नहीं रखा, तो इसको 1 मान लिया, इसको भी हमने इसको 1 दोनों को मान लिया, ठीक है। ओके ठीक है, जो नहीं दिया उसको हम 1 लेकर चलेंगे या तो छोड़ दो उसको, ठीक। अब हमारा जो काम है आपका वो कितने आदमी मिलकर करना है आपका, यही आपको निकालना है, आरंभिक में x आदमी मिलकर कर रहे हैं, x हमने मान लिया, यही आपको निकालना है, कितने दिन में कर रहा है आपका, कितने दिन में आपका कर रहा है आपका, ये 100 दिन में, घंटा नहीं दे रखा है, इसको हटा दो, ठीक है। अब जो आपका सवाल है आपका, जो सवाल आपका है, ठीक है, पहले x आदमी मिलकर कर रहे थे, अब क्या आपका, आपका जो 10 आदमी है वो छोड़ के चले गए यानी कि अब्सेंट हो गए, जब अब्सेंट हो जाएंगे तो पहले x था तो 10 आपका कम हो जाएगा, तो जाहिर तब कितना दिन लग रहा आपका, तब आपका 110 दिन आपका लग रहा आपका, ठीक है ना। तो वही आपको ये x आपको फाइंड आउट करना आपको, तो आपको देखो सिर्फ आपको काटो आपका आ जाएगा 0 से 0 आपका ये कट गया आपका, ठीक है। और आपका यहाँ पर आपका 10x बचा आपका, 10x आपका बचा आपका इजकल टू यहाँ पर आपका एक्स माइनस 10 और इंटू ये आपका 11 आपका बचा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर मिलेगा 10x इजकल टू 11x माइनस 11 10 का मल्टीप्लाई करोगे 110 आएगा आपका। अब इसको इधर लाओ माइनस आ जाएगा आपका 10x माइनस 11x इजकल टू माइनस 110, तो यहाँ से आपका माइनस x आएगा आपका, 10 में से 11 है आपका जाएगा क्या, माइनस 1 आएगा आपका, x है तो x आ जाएगा माइनस 110, माइनस से माइनस कटेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका 110। तो मजदूर आपका आरंभ में कितना था, ओरिजिनल मजदूर कितना था आपका, x कितना है आपका 110, ठीक है। 110 मजदूर मिलकर 100 दिन में ये काम को कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर अगर जो पूछा तो कितने मजदूर हो जाता आपका, ठीक है, 110 में से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 100 हो जाएगा आपका, 100 मजदूर मिलकर 110 दिन काम करेंगे आपका, ठीक है, कोई एक काम को। ओके ठीक है ना, तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, कौन सा ऑप्शन है जल्दी से लगा बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा है देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, जो भी होगा लगा लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं, अब देखो अगला जो सवाल आपका ये कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदारी वाले बेस पर क्वेश्चन आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हमेशा आपका आता है ऐसा सवाल आपका, ठीक है। तो ठेकेदार आपने नाम सुन रखा होगा, ठेका वाला जो लेकर काम कराता है ना वही होगा आपका, जैसे कि एक ठेकेदार आपका, पहले तो ये आपको लिख लेना आपको, एक ठेकेदार आपका कितने दिन आपका काम करा रहा है, 16 दिन आपका काम कर रहा है, क्या बना रहा है आपका, काम क्या हो रहा है आपका, सड़क बन रहा है आपका। तो एक कॉन्ट्रैक्टर आपका, एक ठेकेदार आपका 16 दिन का जिम्मा लेता है, ठीक है, एक सड़क बनाने का, बस इतना आपको ध्यान रखना है ऐसे आपको, ठीक है। अब सवाल आपका ये पूछ रहा है आपका क्या कर रहा है, एक ठेकेदार 16 दिन एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया, यानी कि ठेका ले रखा उसने, 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चला कि केवल 5/8 भागी सड़क ही बन पाई, निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की और आवश्यकता होगी, ठीक है, ये सवाल है आपका। देखो तो ठेकेदार आपका है आपका, टोटल सड़क बनाने का कितना दिन का ठेका ले रखा है, 16 दिन का ठेका ले रखा है इसने, ठीक है। अब सड़क का बस इतना पार्ट बनाया जा रहा है आपका, सड़क का पूरा काम नहीं आपका, पूरा इतना एक पार्ट, इतना 5/8 भाग आपका बनाया जा रहा है, 5/8 भाग ये बनाया जा रहा है आपका, ठीक है। कितने आदमी मिलकर बना रहा है आपका, इतना 20 आदमी मिलकर बना रहा है, ठीक है। कितने दिन बना रहा है आपका, 12 दिन आपका बना रहा है आपका,
ठीक है, 12 दिन आपको बना रहा है आपका 5/8 सड़क का इतना भाग बना रहा है। अब जो आपका बचा हुआ जो सड़क का पार्ट होगा, आपका बचा हुआ जो भाग होगा आपका यहाँ पर आएगा, बचा हुआ जो काम होगा उसको यहाँ पर आएगा आपका। तो कैसे निकालेंगे, एक में से माइनस कर देंगे। अब देखो सड़क का सिर्फ इतना पार्ट आपका काम हुआ है, अब जो बचा काम बचेगा ना आपका, अब ये वाला बचा हुआ काम ये वाला आपका करेगा आपका, ठीक है। बचा हुआ जो काम कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, बचा हुआ काम देखो आपको आपको कितना बनाना है आपका, एक काम आपको बनाना है, मैंने आपको बताया था 5 में कितना जोड़ेगा आपका, 8 होगा 3, तो 5 3 8 हो जाएगा आपका, तो 3/8 आ जाएगा आपका, या एक में से माइनस 5/8 घटाओगे तो भी आपका 3/8 आएगा। तो बचा काम आपका कितना आ जाएगा आपका, 3/8 आपका आ जाएगा। ऐसे आपको डायरेक्ट आपको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, 3/8 देखो, 8 8 आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आपका। अब कितना जोड़े आपका 8 बन जाएगा आपका, 3 जोड़ोगे तभी तो आपका 8 बनेगा ना आपका, 8 8 कर जाएगा एक काम आ जाएगा आपका, ठीक है ओके। तो इतना जो बचा हुआ जो काम होगा आपका, वो और आदमी कितना लगाया जा रहा है आपका, एक्स आदमी लगाया जा रहा है, पहले 20 था आपका, अब एक्स आदमी और जोड़ा जा रहा है, अतिरिक्त आदमी और जोड़ा जा रहा है। कितने दिन और काम करेंगे आपका, देखो टोटल आपको कितना दिन आपको काम करना है, 16 दिन आपको काम करना है, 12 दिन पहले आपका कर चुका आपका 5/8 सड़क इतना भाग आपका 20 आदमी, अब 12 दिन लेकर बनाया जा चुका है आपका, ठीक है। तो कितना और बचा आपका, 16 में से 12 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा आपका, 4 दिन और बचेगा आपका, तो 12 × 4 कितना होगा आपका, 16 दिन आपका टोटल होगा ना आपका, ठीक है ना, सवाल अपने समझ गया। तो एक्स यही आपको निकालना है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। देखो सड़क का ओके सवाल आपने समझ गया होगा, एक बार मैं आपको फिर समझाता हूँ। एक ठेकेदार था आपका, सड़क बनाने का उसने ठेका ले रखा है 16 दिन का आपका, टोटल 16 दिन का सड़क बनाने का ठेका ले रखा है, तो 5/8 भाग ही सड़क का सिर्फ बन रहा है आपका, ठीक है। कितने आदमी बना रहा है, 20 आदमी, कितने दिन ले रहा है आपका, 12 दिन ले रहा है आपका, ठीक है। अब जो बचा हुआ जो आपका सड़क का पार्ट होगा आपका, ये वाला आपका बनाएगा आपका, सेकंड वाला जो क्वेश्चन आपका काम जो करेगा आपका, ठीक है। तो 5/3 है, तो बचा काम कितना होगा, 3/8 आपका हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया कैसे होगा, ये मैंने बता दिया। अब ये जो बचा हुआ काम होगा, पहले 20 लोग मिलकर काम कर रहे थे, और कितने अधिक लोग मिलकर काम, और कितने, और अब ये जो बचा हुआ जो काम है आपका, और कितने लोग मिलकर काम करेंगे, वही आपको निकाला, पहले 20 था तो और कितने लोग, एक्स और हमने इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। और कितने दिन और ये काम करेगा आपका, पहले 12 दिन हो चुका है, अब 16 दिन आपको करना है, तो 12 × 4 आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जोड़ोगे आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 8 × 8 आपका कट जाएगा आपका यहाँ से आपका, ठीक है। और क्या कट जाएगा आपका यहाँ से, 4 × 3 12 3 बार में आपका गया आपका, ये 3 बार में गया आपका, ये 3 बार में, ठीक है। और कुछ कट रहा है, हाँ, 5 × 20 4 बार में गया आपका, यहाँ पर देखो क्या बचा आपका, 4 और 3 बचा, तो 4 × 3 4 × 3, ठीक है ओके। यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा आपका, डिवाइड बाई 1 लिखो या ना लिखो बात है कि आपका, ठीक है। और आपका यहाँ पर डिवाइड बाई 1 लिख दो, और यहाँ पर आपका क्या बचा आपका, यहाँ पर आपका 20 + x और डिवाइड बाई 3 बचा आपका। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर x की वैल्यू मिल जाएगा आपका, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 + x हो जाएगा आपका, ये 20 + x इज इक्वल टू, ये आपका 4 × 3 = 12 और ये आपका 3 × 12 = 36, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 36 - 20 यानी कि 16, तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका, 16, ठीक है। तो 16 आदमी की और आवश्यकता होगी, जो आपका बचा हुआ जो काम आपका 3/8 आपका काम कर सके आपका, ठीक है ओके, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आपका, ये वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको ठेकेदारी वाला करा रहा हूँ, ठीक है। इस बार आपको माइनस करने वाला मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन और ठेकेदारी पे मैं आपको कराता हूँ, क्या करा आपका, एक ठेकेदार आपका 90 दिनों तक एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता आपका, ठीक है। तो एक ठेकेदार आपका 90 दिन तक काम कराता आपका एक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, सड़क हो सकता है, बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है आपका, ठीक है। तो एक ठेकेदार था आपका 90 दिन तक एक प्रोजेक्ट का ठेका ले रखा है उसने, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, और इसके लिए 60 लोगों को काम पर लगाता है, और 60 दिनों तक वो काम करते हैं सब, ठीक है। 3/4 भाग ही काम हो पाता है, तो समय पर काम पूरा हो सके, ठीक है, इसके लिए कितने लोगों को काम से हटाया जा सकता है आपका। जब हटाया जाएगा आपको, ठीक है, तो आपको रिमूव किया जाएगा, तो क्या होगा आपको, माइनस करना पड़ेगा आपको। जब लाया जाएगा तो आपको क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना आपको। तो देखो सवाल को कैसे बनाएंगे, 3/4 पार्ट ही आपका, 3/4 भाग ही आपका प्रोजेक्ट का इतना काम आपका सिर्फ आपका भी हुआ है आपका। कितने लोग मिलकर किए हैं आपका, 60 लोग, कितने दिन में किए हैं, 60 दिन में किए हैं आपका, ठीक है। अब सवाल है जो बचा हुआ जो काम है आपका, जो रिमेनिंग पार्ट है आपका काम का, वो कितना आपका होगा आपका, यहाँ पर तो आपका नीचे 4 होगा, ये 4 होगा आपका, ये आपको सेम होगा, मैंने आपको बताया। अब कितना जोड़ा आपका, 4 बन जाएगा आपका, 3 में 1 जोड़ेगा आपका, 4 बन जाएगा, ठीक है
ओके, तीन और एक जोड़ोगे चार, चार डिवाइड बाय चार कर दीजिएगा आपका, ठीक है ना। ओके तो अब ये जो बचा हुआ जो काम है आपका एक पटे चार भाग, पहले आदमी कितने थे आपका 60 आदमी मिलकर काम कर रहे थे, अब इसमें से कुछ आदमी हटाया जा रहा है आपका। जब हटाया जाएगा तो इसमें माइनस एक्स, हम इसको हटा दिया, हमने एक्स आदमी को हटा दिया है, यही आपको एक्स आदमी हटाया वाले निकालना आपको, ठीक है। अब जब हटाया जा रहा है तो पहले आपका कितने आदमी, कितने दिन तक हटाया जा रहा है आपका, कितने दिन तक काम करेंगे आपका, ये पहले 60 कर चुके हैं आपका, कितने दिन आपको टोटल करना है आपको 90 दिन, ठीक है। 30 दिन और ये काम करेंगे आपका, ठीक है ना। ओके ऐसे आपको आना चाहिए, ठीक है। टोटल आपको देख लेना कितने दिन आपको काम करा रहा है आपका, तो जितना यहाँ पर हो चुका होगा, ठीक है, उतना इसमें से माइनस कर देंगे, वही आपका आ जाएगा जो बचा हुआ दिन होगा आपका, ठीक है। तो 90 में 60 घटाओगे आपका 30 आ जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। चार से चार आपका कट गया, बस आपको काटोगे पीटोगे आपका आंसर आएगा, मैंने आपको बताया। ये आपका 30 से आपका 60 कट जाएगा कितनी बार में आपका, दो बार में आपका कट जाएगा आपका, ठीक। और कुछ कटेगा क्या, और भी कटेगा बाबू, देखो 3 से बाबू आपका 60 कटेगा कितनी बार, 20 बार में जाएगा आपका। तो क्या क्या बचा आपका, 20 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना 40 बचेगा आपका, और डिवाइड बाई यहाँ पर 1 आपको लिखो ना लिखो बात की है आपका, यहाँ पर भी आपको 1 ही आपको बच रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा आपका 60 माइनस एक्स बचा आपका, ठीक। ओके इसको इधर लाओगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, माइनस आएगा आपका, यानी कि 40 माइनस 60 इजकल टू माइनस एक्स बचा आपका, ये माइनस 20 आपका बचा आपका, और ये माइनस एक्स, माइनस से माइनस आपका करिएगा तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा आपका 20, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितना आएगा आपका 20। तो 20 आदमी, ठीक है, यानी कि 20 मजदूर को निकाला जा रहा है आपका, ठीक है, जो आपका बचा हुआ काम एक बटे चार भाग आपका पूरा कर सके इसने वाले पार्ट का आपका, ठीक है ना। ओके तो ऐसे सवाल को ऐसे लगाएंगे, कब प्लस करना है कब माइनस करना है, माइनस कब करेंगे जब आपको आदमी वगैरह निकाला जाएगा, हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, तब माइनस करेंगे, और जब आपको लाया जाएगा, ठीक है, अलग से लाया जाएगा, तब उसमें हम जोड़ेंगे आदमियों की संख्या में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, देखो तो अगला जो सवाल आपका, ये भी सवाल आपका आया हुआ क्वेश्चन आपका, कैसे करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट इसको अप्रोच लगाएंगे ऑप्शन चेकिंग से, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है आपका, सॉल्व करने बैठोगे बहुत लंबा हो जाएगा आपका। कैसे करेंगे, आपको कह रहा है, ठीक है, यदि एक्स माइनस वन व्यक्ति, यानी कि एक्स माइनस वन आदमी के द्वारा एक्स प्लस वन दिनों में किए गए काम तथा एक्स प्लस टू व्यक्तियों के द्वारा एक्स माइनस वन दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो वही सवाल आपका, देखो ये रेशियो कितना आपका, जो काम का रेशियो कितना आपका 9:10 है आपका, ठीक है। तो 9 आपका पहला काम हो गया, और दूसरा काम आपका क्या होगा 10 हो गया, तो 9 आपका पहला काम हो गया और दूसरा काम आपका क्या हो गया कब 10 हो गया, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो 9 जो काम था आपका कितने आदमी मिलकर कर रहे हैं, एक्स माइनस वन मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किया उसने, एक्स प्लस वन काम किया। वही जो 10 काम आपका कितने आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, एक्स प्लस टू आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किया उसने, x माइनस वन काम किया आपने, ठीक है। अब इसको बराबर कर दिया, इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया, तो x माइनस वन और x माइनस वन आपका ये उड़ गया आपका, तो बचा क्या आपका x प्लस आपका कितना बता डिवाइड बाई 9 इजकल टू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई 10 आपका बचा, ठीक है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऑप्शन चेकिंग से भी आपको मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा आपका, ये आपका 10x हो जाएगा आपका, ये 10x हो जाएगा आपका, प्लस 10 हो जाएगा आपका ये, अब ये इसका 9x हो जाएगा आपका, 9x ये आपका 9 × 18 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इसको x वाले पार्ट को इधर लाओ और इसको उधर भेजो, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 10x माइनस 9x प्लस है, तो इधर साइन आएगा तो माइनस चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर 18 है, ये माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x बचेगा आपका 10 में से 9 जाएगा आपका, 1x बचेगा आपका, 18 में से 10 जाएगा आपका, 8 बचेगा, तो x की वैल्यू कितना आएगा आपका 8 आ गया आपका, यही आपको x का वैल्यू पूछा था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा, कभी कभी बहुत लंबा बन जाता है, क्वाड्रेटिक बन जाता है, ठीक है, तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन चेकिंग से बताता हूँ, तो यहाँ तो आपका 8 आ गया आपका, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये तो सिंपल था आपका। अगला जो क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अभी इसका डायरेक्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको, देखो डायरेक्ट वाला, ठीक है, डायरेक्ट वाले देखो, ये एक ये 10 है ना आपका, डायरेक्ट ऑप्शन चेकिंग करो, डायरेक्ट ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 5, दूसरा क्या दे रखा है आपका 6, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 7, डी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है आपका 8, तो यही आपका 8 आ रहा था ना आपका, 8 रख के देखो आपका दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एक्स के वैल्यू 8 रखोगे तो आपका कितना होगा 8+1 कितना होगा 9, तो 9 / 9 तो आपका कितना आएगा आपका 1 आएगा आपका, ठीक है। अब ये तो ये भी आपका 1 आना चाहिए, 8 रखोगे तो कितना होगा आपका 8 × 2 = 10, 10 / 10 तो कितना आएगा आपका 1 आएगा आपका, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है आपका, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका
पाँच रखोगे तो नहीं आएगा, पाँच रखोगे तो 6/9 होगा आपका ये, यहाँ पर पाँच रखोगे आपका कितना आएगा 7/10 आएगा, तो बराबर ही नहीं होगा। वैसे 6 भी रखोगे नहीं होगा बराबर, 7 भी रखोगे नहीं बराबर, ठीक है। तो जो आपका वैल्यू रखोगे बराबर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो वही वाला ऑप्शन होगा आपको। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अगला करते हैं, आपका पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपको एक्स का मान निकालना आपको, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है चारों ऑप्शन में से, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन चेकिंग से मैं आपको पता करके बताऊंगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन चेकिंग से हम करेंगे बाबू। देखो क्या कर आपका, कोई काम है, काम कितना है ये आपको नहीं पता है, तो एक हमने मान लिया इसका भी और इसका भी, ठीक है। लिखो या ना लिखो बातें की है, तो जो कोई काम है आपका, ठीक है, वो कितने आदमी मिलकर काम कर रहे हैं आपका, एक्स प्लस 4 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहा है आपका, एक्स प्लस 5 में कर रहा है आपका दिन में। कितना घंटा कर रहा है उन्हें दिया, उसको हटा दो, ठीक है। वही जो काम है आपका, जो सेम काम है आपका, कितने आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, एक्स माइनस 5 मिलकर काम कर रहे हैं। कितने दिन में काम कर रहे हैं, एक्स प्लस 20 में काम कर रहे हैं आपका, ठीक है, ओके। तो यही आपको एक्स आपको पता करना है कितना आएगा, तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन चेकिंग करना पड़ेगा आपको। अगर तो इसको मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसमें इसमें मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सॉल्व करते ही रह जाओगे आपको, 5-10 मिनट टाइम ले जाएगा, ठीक है। एक मिनट के अंदर इसको करना है, तो कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो यही तो आपका एक्स का वैल्यू दिया है सब, जो ऑप्शन में दे रखा है यही तो आपका सारा एक्स का वैल्यू है ना आपका, ओके, यही तो सारा एक्स का वैल्यू है आपका, ठीक है। पहला ऑप्शन रखते हैं एक्स इजकल टू 15, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा क्या, एक्स की वैल्यू 15 रखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा आपका ये, इंटू ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका होगा एक्स का वैल्यू 15 रखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना होगा 20 हो जाएगा आपका, इक्वल टू एक्स की वैल्यू 15 रखोगे आपका कितना 10 हो जाएगा आपका ये, इंटू एक्स की वैल्यू आपका 15 रखोगे आपका 35 हो जाएगा आपका ये, ठीक है, ओके। अब देखो ये बराबर है क्या आपका, ये 19 × 38 380, ठीक है, ये कितना 350, ये आपस में बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो ए वाला पार्ट इसका नहीं आंसर होगा, ठीक है। अब बी वाला इसे चेक कर लेंगे हम, जल्दी जल्दी चेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता रहा हूँ आपको, एक्स के वैल्यू 20 रख के देखो, एक्स के वैल्यू 20 रखोगे 24 और यहाँ पर रखोगे इंटू 25 आ जाएगा आपका, यहाँ पर रखोगे एक्स के वैल्यू 20 तो आपका 15 आ जाएगा, और यहाँ पर रखोगे एक्स के वैल्यू 20 तो आपका 45 है, हाँ ये आपका बराबर आ जाएगा। इसको इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, 600 आ जाएगा आपका, और इसको इसको सॉल्व करोगे आपका 600 होगा, तो दोनों आपस में बराबर है ना आप, देखो सेटिस्फाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा आपका, ये बी आएगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा आपका, ये बी आएगा, ठीक है। तो सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा आपको, ठीक है। देखो एक मिनट के अंदर हो जाएगा, एक मिनट भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन आपका तेज होगा, तो जल्दी से आपको आंसर बता सकते हो कौन सा ऑप्शन है आपका, ओके। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराया, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बाबू आपका आता रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, इससे पहले का जो वीडियो मैंने बना रखा है आपका, ठीक है, टाइम एंड ओवर का पार्ट नंबर 1 जरूर देख लेना। अब पाइप एंड सिस्टम का यानी कि पानी और टंकी वाला सवाल भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व कराया है, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, थैंक यू।